एक फिल्म कैसे सिर्फ अपनी कहानी और कंटेंट के दम पर दुनिया भर में कमाल कर देती है, कैसे सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से एक साधारण कास्ट और कम बजट की फिल्म बड़े बड़े सितारों से सजी और भारी भरकम फिल्मों को धूल चटा देती है, कैसे जबरदस्त प्रमोशन के सामने एक ऐसी फिल्म जिसका प्रमोशन भी नहीं के बराबर दिखा, जिसके कलाकारों को भी सुपरस्टार का तमगा नहीं हासिल था, ऐसी फिल्म ने कमाल कर दिखाया। बात कांतारा की, जिसने सफलता के कई रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं। ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी कांतारा की कहानी कर्नाटक के एक गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर आधारित है, जो एक राजा के परिवार देव और गुलिका के इर्द गिर्द रहती है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी कामबाला चैंपियन शिवा के किरदार में दिखेंगे। इस फिल्म का निर्माण KGF जैसी बड़ी फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस होमले फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। कन्नड़ भाषा की ये फिल्म पहले 30 सितंबर 2022 को कन्नड़ में रिलीज हुई थी। फिल्म ने अपनी कमाई से सभी को हैरान कर दिया। इस फिल्म को 14 अक्टूबर को हिंदी बेल्ट में रिलीज किया गया। फिल्म ने लगातार जो कमाई की वो कई साउथ की हिंदी भाषा में रिलीज हुई फिल्मों से कहीं ज्यादा थी। लगातार कांतारा हिंदी बेल्ट में झंडे गाड़ रही है। कांतारा की वजह से सो कॉल्ड बॉलीवुड सुपरस्टार्स की बड़ी फिल्मों को धीरे धीरे थिएटर से हटाया जा रहा है और कांतारा को स्क्रीन्स दी जा रही हैं। यानी कांतारा बॉलीवुड के सुपरस्टार्स और बड़ी फिल्मों की छुट्टी कर रही है। वजह भी जायज़ है, राम सेतु को दर्शक ही नहीं मिल रहे। अजय देवगन की थैंक गॉड का हाल तो और भी खराब दिखा। रिलीज के 6 दिन बाद भी 30 करोड़ तक नहीं कमा पाई फिल्म। वही कन्नड़ की डब फिल्म कांतारा तीसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में ज़बरदस्त कमाई कर रही है और अपने बजट से कहीं ज़्यादा वसूली कर चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऋषभ शेट्टी की फिल्म की दिन ब दिन बढ़ते कारोबार को देखकर सिनेमा मालिकों ने चुपचाप राम सेतु और थैंक गॉड दोनों भारी भरकम फिल्मों के शोज़ कम कर दिए हैं और कांतारा के शोज़ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार से थैंक गॉड और राम सेतु के शोज़ में कटौती करके कांतारा को एक्स्ट्रा शोज़ भी दिए जाने की बात कही गई। थिएटर मालिकों को पता है कि अगर वीकेंड में ही बड़ी फिल्मों के नाम पर भी दर्शक नहीं आ रहे हैं तो वीकडेज में कौन आएगा। वहीं कांतारा की बात करें तो लगातार मिल रही वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से हिंदी के दर्शक इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। दिवाली के पूरे फेस्टिव वीक की ही बात करें तो कांतारा हिंदी बेल्ट में छाई रही, इसे ज़बरदस्त फुटफॉल मिली। वहीं हिंदी की बड़ी फिल्में और उनके बड़े सितारे बड़े बजट और प्रमोशन के बावजूद डूब गए। कांतारा ने यह साबित कर दिया कि अच्छी फिल्में हर चुनौती के बावजूद अपनी जगह बना ले लेती है और अब सिनेमा में भाषा की कोई सीमा भी नहीं रह गई।